एज वर्सेस हिज डैड पार्ट 61 में स्वागत है आप सभी का। और जिसने भी 60 और 59 को नहीं देखा जाके देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जिसने भी पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा जाकर देख लेना, क्योंकि लिंक वहीं से मिलेगी स्टोरी का। और ये स्टोरी को पूरा करेंगे तो उसको भी पहले देख लेना, उसके बाद ये देख लेना। तो शुरू करता हूँ। तभी कैंट और लियोन के बैटल में दोनों के पास दो दो पोकेमॉन बचते, और कैंट अपने ब्लास्टोइस और लियोन अपने सिंड्रेस के साथ बैटल कर रहा था। तभी रेफरी बोलता है बैटल को शुरू की जाए। तभी लियोन भी अपने सिंड्रेस को हाई जंप किक करने बोलता है। तभी उधर से कैंट अपने ब्लास्टोइस को वाटर फॉल्स इस्तेमाल करने बोलता है, और ये वाटर फॉल्स सिंड्रेस के हाई जंप किक को नाकाम कर देता है। और तभी कैंट बोलता है हाइड्रो कैन। तभी ब्लास्टोइस हाइड्रो कैन करता है और लियोन के सिंड्रेस को लगने वाला होता है। तभी लियोन बोलता है स्पायरो बॉल करो सिंड्रेस, और ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं। पर ब्लास्टोइस का हाइड्रो कैन ज़्यादा पावरफुल होने के होता है, इसलिए सिंड्रेस को हिट हो जाता है। तभी लियोन कहता है सिंड्रेस फिर से हाई जंप किक। तभी कैन भी बोलता है ब्लास्टोइस तुम भी हाइड्रो पंप करो। तभी इस हाइड्रो पंप से सिंड्रेस की आधी हेल्थ चली जाती है डैमेज खाकर, और लियोन बोलता है सिंड्रेस तुम क्या लड़ सकते हो। तभी सिंड्रेस फिर से अपनी पावर दिखाता है और आयरन हिट कर देता है। तभी लियोन बोलता है सिंड्रेस फिर से जाइंट स्पायरो बॉल करो। तभी सिंड्रेस जाइंट स्पायरो बॉल बनाने लग जाता है। तभी कैन भी बोलता है ठीक है ब्लास्टोइस हमें इस मैच को ख़त्म करना चाहिए, हाइड्रो पंप करो अपनी सारी ताकत लगा कर। तभी मेगा ब्लास्टोइस अपनी सारी पावर लगा के मेगा हाइड्रो पंप कर देता है, और उधर से सिंड्रेस का जाइंट पायरो बॉल भी लगने वाला था एक दूसरे के। तभी ये अटैक हिट होने के बाद देखते हैं कि लियोन का सिंड्रेस और कैंट का ब्लास्टोइस दोनों नीचे गिरे हुए होते हैं। तभी कैंट का ब्लास्टोइस तो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और लियोन का सिंड्रेस डिफीट हो चुका था। तभी रेफरी बोलता है इस बैटल का विनर है कैंट, और कैंट के पास बचता है दो पोकेमॉन ब्लास्टोइस और एक उसका गार्चोम। तभी लियोन के पास एक ही पोकेमॉन बचा हुआ होता है जो कि वो उसका अल्ट्रा बीस्ट चार्जर था। तभी लियोन बोलता है सिंड्रेस तुमने अच्छी टक्कर दी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो तुम क्या। तभी कैंट को बोलता है लियोन अब मेरे लास्ट पोकेमॉन और सबसे पावरफुल पोकेमॉन के साथ बैटल करो कैंट, और तुम्हें हरा देगा, ये मुझे इतना विश्वास है इस पोकेमॉन पर। तभी कैंट बोलता है ठीक है लियोन निकालो तुम्हारे ओजी पोकेमॉन को और मैं अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तभी लियोन अपने चार्जर को निकालता है और कैंट अपने गार्चोम को, और कैंट अपने गार्चोम को ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है। उधर से लियोन भी अपने चार्जर को ड्रैगन टेल करने बोलता है। तभी कैंट का गार्चोम पोकेबॉल के भीतर चला जाता है और ब्लास्टोइस बाहर आ जाता है। तभी कैंट बोलता है ब्लास्टोइस तुम आ गए अब हाइड्रो पंप करो। तभी लियोन चार्जर को फायर ब्लास्ट करने बोलता है, और हाइड्रो पंप और फायर ब्लास्ट टकरा जाते हैं और एक दूसरे को हीट हो जाते हैं, पर ब्लास्टोइस डैमेज होता है इसलिए ब्लास्टोइस बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा था पहले से ही, सिंड्रेस के खिलाफ वो डैमेज था ब्लास्टोइस। और फिर से कैंट बोलता है ब्लास्टोइस तुम कर सकते हो आखिरी बार हाइड्रो पंप। तभी लियोन भी बोलता है चार्जर फ्लेम थ्रोअर करो। तभी हाइड्रो पंप और फ्लेम थ्रोअर इस बार टकरा जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्लास्टोइस नीचे गिरा हुआ होता है। तभी रेफरी बोलता है कि लियोन इस राउंड को जीत चुका है और दोनों के पास अब एक एक पोकेमॉन बचते हैं, तो बैटल को बिगिन किया जाए। तभी ऑडियंस बहुत जोश में आ रही थी क्योंकि सबसे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन का मैच और लास्ट पोकेमॉन बचे हैं दोनों के पास, और देखना चाहते थे कौन जीतेगा। तभी एस ग्रैंड मास्टर के साथ शर्त लगाता है, चलिए ग्रैंड मास्टर मैं शर्त लगाता हूँ कि लियोन जीतेगा। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं मुझे तो लगता है कैंट जीतेगा। तभी दोनों में एश और ग्रैंड मास्टर में शर्त लग जाती है। तभी रेड और टोबियस भी वहीं पर थे और वो दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ से शर्त लगाते हैं, और रेड लियोन के साथ जाना चाहता था उसकी टीम, और टोबियस कैंट के लिए शर्त लगाता है रेड से। तभी उधर बैटल में कैंट और लियोन का पोकेमॉन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी कैंट अपने गार्चोम को ड्रैकोमीटियर करने बोलता है, और लियोन अपने चार्जर्ट को साइज्मिक टॉस करने बोलता है, और लियोन गार्चोम को पकड़ के ऊपर से घुमा के फेंक देता है नीचे, और गार्चोम नीचे गिर रहा था। तभी कैंट बोलता है गार्चोम फिर से हवा में उड़ो। तभी गार्चोम उड़ जाता है, और कैंट बोलता है गार्चोम फिर से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करो। तभी ड्रैगन पल्स सीधा चार्जर को हिट हो जाता है और चार्जर बहुत ही घायल हो चुका होता है। तभी लियोन बोलता है अब इस बैटल को
अब पावरफुल बैटल बनाना पड़ेगा, तभी चार्जर्ट को वो डायनामैक्स कर देता है जायगंडामैक्स, तभी कैन भी अपने गार्चोम को मेगा एवोल्यूशन कर देता है और मेगा गार्चोम बना लेता है, तभी दोनों के पोकेमोन बहुत ही पावरफुल बन चुके थे। तभी कैन बोलता है गार्चोम फिर से ड्रैकोमीटर करो, तभी लियोन भी बोलता है चार्जर्ट जेड फायर ब्लास्ट करो, तभी ये जी मूव वाला फायर ब्लास्ट सीधा ड्रैको मीटियर को चीरते हुए गार्चोम को लग के गार्चोम नीचे गिर जाता है और स्टेडियम के सारे लोग और यहाँ तक रेफरी एश ग्रैंड मास्टर सारे के सारे लोग देख रहे थे कि कैंड का गार्चोम हार चुका होता है। अब रेफरी बोलता है कि इस बैटल का विनर है लियोन और बन चुका है फिर से लियोन वर्ल्ड चैम्पियन। तभी ऑडियंस शोर मचाने लगते हैं, लियोन 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 कहते, तभी एश और ग्रैंड मास्टर दोनों ही खुश हो जाते हैं और टोबियस हार जाता है शर्त में रेड से, क्योंकि रेड ने लियोन के सपोर्ट में किया था शर्त। तभी एश कैन को कहता है मुझे बुरा लगा कि तुम हार गए और मैंने सोचा था कि तुम जीतोगे तो मैं तुम्हारे साथ बैटल करूंगा पर नेक्स्ट टाइम दोस्त। तभी कैन कहता है एश तुम्हें भी मैं एक दिन हराऊंगा और लियोन को भी, मैं अभी तो ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, बाय, तुम्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगा पोकेमोन मास्टर। तभी कैंट इतना कहता है और चला जाता है और एश कहता है हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा वर्ल्ड चैम्पियन रनर अप। तभी दोनों की बात ख़त्म हो जाती है और एश बोलता है ठीक है ग्रैंड मास्टर अब मैं फाइट के लिए तैयार हूँ तो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे फाइट करेंगे हम। तभी ग्रैंड मास्टर कहते इतने उतावले मत बनो एश, हम कल फाइट करेंगे, आज का दिन को छोड़ो। तभी एश ठीक है बोलता है और एश ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और एश ने फाइनली ग्रीन निंजा को भी बुला लिया था कालोस रीजन से और एश चाहता था कि ग्रीन निंजा में और उसका चार्जर्ट और पिकाचू ये तीनों मिलकर ग्रैंड मास्टर को हराएं। तभी एश ट्रेनिंग करता है और एश को चैलेंज करने के लिए टोबियस अभी इंतजार में था, क्योंकि जब एश ग्रैंड मास्टर को हराएगा तभी टोबियस उसके साथ बैटल कर सकता है और टोबियस कहता है एश से मिलकर टोबियस मैं हूँ तुमसे फाइट कर।